नमस्कार भाई लोग, आप लोग देख रहल बानी नोज तक भोजपुरी के इंटरव्यू शो में। और आज हम आ चुकल बानी बलिया के कैथोली गांव में और आपसे हम मिलाइम भोजपुरी के अमरजीत सिंह तोमरजीत से। अमरजीत भैया, आपके बहुत बहुत स्वागत बा न्यूज तक भोजपुरी शो में। धन्यवाद भैया। सबसे पहले न्यूज तक भोजपुरी चैनल के हमारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। और जितना भी हमार प्रेमी बड़न, संगीत प्रेमी जितना भी हमार चाहे वाला बड़न, सबके गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज अमरजीत से कुछ बात हुई, कुछ सवाल हुई, कुछ बात विमर्श भी हुई। उससे पहले हम अमरजीत भैया से कहम कि आज हमारे जितना भी दर्शक आपके देखा था नहीं और आपके चाहे वाला भी देखा था नहीं, उनके कम से कम दो शब्द कुछ सुनाई। अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, हम होश में नाही बानी, हो हम होश में नाही बानी, तू जहिया से तक ले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। अच्छा हमारी भैया, ये गाना आप गनिया के अखिया में कौन जादू रख ले बाड़ू का के याद आ गया का? ना ना भैया, बहुत बढ़िया गाना लागेला। अच्छा अच्छा, हम कहीं कहीं प्यार मोहब्बत के बात तो नहीं ना चली। आपसे हम कुछ पूछम कि आप संगीत के जुड़ाव कब से भइल, कैसे भइल संगीत के जुड़ाव आपसे? जब हम 12 में रहनी तो हमार बड़ दीदी, बड़का पापा के लड़की, और संगीत से प्रभाकर करत रही, तो वहे देख देख के शुरू से ही संगीत अच्छा लागे। और हम लोग गाते भी थे, लेकिन अब सामने किसी के नहीं गाते थे, अंदर अंदर गाते थे। फिर उसके बाद दीदी बोली कि सीखो, संगीत भी सीखो। उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर दिए संगीत सीखना। और 4 साल पंडित राजकुमार मिश्रा जी बलिया में संगीत की क्लास चलेला, प्रभाकर करावेनी, वहाँ के यहाँ से संगीत के शिक्षा भइल। ओकरा बाद फिर वही दीदी ज्वाइन करेली स्कूल, से मुसी विद्यापीठ स्कूल रेवती बा, 3 साल वहीजा म्यूजिक टीचर रहनी। ओकरा बाद अभी वर्तमान में नगरा में कोलंबस इंटर स्कूल, कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में म्यूजिक के टीचर बानी। बस रवा सबके प्यार मोहब्बत से, मतलब आप संगीत के साथ साथ संगीत का प्रचार प्रसार भी करेनी। क्या बात है भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी भइल कि आप ऐसा कलाकार बनी जो संगीत के बढ़ावा जोरों शोर पर देनी। और हम आपसे जानना चाहें कि आपके शादी ब्याह भी भइल बा का अभी? ना ना भैया, अभी शादी ब्याह नहीं के भइल। तो शादी ब्याह के भी विचार में कुछ हुई ना कि अभी करे भैया नहीं के करे के? अभी तनिक कुछ कर लिया जाओ, ओकर बाद शादी ब्याह होते रही। संगीत के क्षेत्र में आपके कोनो कुछ हासिल भइल बा, जैसे कोनो मुकाम जिसे होके अभी तक फिलहाल में? बस ये पहला मुकाम हवे, भगवान से प्रार्थना बा कि कुछ लायक कर जाओ। मतलब कौन कौन से मुकाम बा अभी कुछ बताइम का हमारे दर्शक लोग के? अभी जोन एक रियलिटी शो आ रहा बा भोजपुरी के सिंगिंग के सुपर स्टार, जिनमें 2 राउंड, पहला राउंड भइल रहे ओमे आदमी निकलल बा, दूसरा राउंड मेगा ऑडिशन में सिलेक्शन भइल बा, टीवी राउंड में सिलेक्शन भइल बा। सरुआ सबके प्यार आशीर्वाद रही, तो आगे कुछ कर जाइए भैया। बधाई हो कि आपके सिंगिंग के सुपरस्टार में टीवी राउंड में भी आपके सिलेक्शन हो चुका बा। चूँकि आप लोग भी जितना भी दर्शक बढ़ान भैया के देखे के जल्दी मिली आप लोगों के टीवी पे। अच्छा ये बताइए भैया, जो ये ऑडिशन भले तो का एक में कुछ लोचा उचा भले के मतलब डिमांडिंग आई है कि भाई इतना पैसा दे दा चाहे? हमने बहुत जगह देख लिया ऑडिशन में ये होला कि आपको इसमें काम करना है तो भैया इतना पैसा देंगे तो आपका हम सिलेक्शन करा देंगे, क्या हुआ था का ऐसा आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था। मैसेज आया था कि ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है, मैंने एक गाना गाया था, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हुआ कि मेगा ऑडिशन में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। फिर मैसेज आया उसका भी कि मेगा ऑडिशन भी 3 मिनट का वीडियो आप लोगों को देना है, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद टीवी राउंड में आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो अब मैसेज आया कि टीवी राउंड में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, पैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है सब। अच्छा ये बताए कि आप गायकी के साथ सिखाइब अध्ययन भी कर रहे नहीं? आई भैया आपसे व्यक्तिगत सवाल हो गया, हम अब संगीत के माध्यम से कुछ पूछम आप संग। अच्छा भैया, हमने के खास तौर बलिया से बन जा और भोजपुरी माटी से काफ़ी जुड़ाव बा और कुछ स्टार लोग बाँ जो जातिगत रूप से गाना गावत, उनका बारे में आपके कथित का विचार बा?
भैया हमनी के तो स्टार नहीं खींचा, हमनी के छोट मोट कलाकार बनी जा, माटी से जुड़ल बनी जा। जहाँ तक हमार विचार बा कि केहू होखो चाहे वो कोनो सिंगर होखस, संगीत केहू के जाति के ना है, केहू के धर्म के ना है, संगीत सबके है। तो जातिगत और ये सब गाना ना ही गावे के चाही। और खैर वहाँ लोग का अपन अपन सोच बा, लेकिन संगीत एक कथा सागर है। और जितना भी संगीत प्रेमी बाड़न सबके बस ये कहल चाहब कि जातिगत गाना ना होके चाही, ताकि सब जेकर जैसन सोच। अच्छा भैया हमने के बलिया से बन जा, और आज डिजिटल समय चल रहा बा, डिजिटल इंडिया भी हो गई बा, और का वजह बा, का कमी बा कि आज बलिया के कोनो स्टार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी स्टार नहीं हो पाओ? चूँकि भोजपुरी के गढ़ माना जाला, बलिया गाजीपुर छपरा मतलब जितना भी बलिया से सटल बड़ा सर, एक ऊपर आपके का विचार हुआ? जहाँ तक बलिया के जितना भी सिंगर बाड़न बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छा सिंगर बाड़न जगावे वाला, और जगह प्रोग्राम कार्यक्रम होखेला तो बहुत सपोर्ट भी कई जला। और हमनी के यहाँ जहाँ तक मतलब हम लोगों का क्षेत्र है, हम ये अनुभव कैले बानी कि जितना भी सिंगर बाड़न चाहे जे भी गावता अच्छा गावता, लेकिन बस तनी या अपना अंदर राजनीति बा, अपना अंदर बा कार्यक्रम भी होखेला चाहे ऐसा कोनो प्रोग्राम होखा था तो बहुत। चलिए ठीक बा भैया, ये बताइए हमने के बलिया जिला से बन जाए, आज बलिया जिले के फेमस स्टार बनी गोपाल राय जी, और गोपाल भैया हमेशा विशाल गढ़ा महोत्सव भी करावनी, का मतलब आप लोग को ऐसे सपोर्ट मिलेला कोनो, चाहे कबो ऐसा लागल हो कि आप तो टीचर भी बनी जिससे में आपके सपोर्ट मिला लोग के, चाहे अदर कलाकार के भी सपोर्ट मिला लोग के? गोपाल भैया से तो अभी कभी मुलाकात नहीं है भाई, गढ़ा महोत्सव में कुल बड़ बड़ कलाकार भी आवेला लोग, हमने के तो कबो मौका मिलन नहीं है जुगा जाए के। लेकिन जहाँ तक हमरा लागे ला कि गोपाल भैया के बलिया खातिर भी कुछ करे के चाही, बलिया से भी कोनो गायक के उठावे के चाही, कि बहुत अच्छा वहाँ के इंडस्ट्री में पकड़ बावे, बहुत अच्छा गावे नी, स्टार कलाकार भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, तो कुछ बलिया खातिर वहाँ के करे के चाही। अच्छा भैया गोपाल भैया के भी कमी बा, हमने के गोपाल भैया से निहरा कर भाई कम से कम बलिया के भी लड़कन पर ध्यान दी गोपाल भैया, और जितना भी कलाकार बाड़न बलिया के उनके भी ऊपर आप लोग ध्यान दी, गोपाल भैया के भी लोग भाई लोग जान ला कि भाई चला आज स्टार हुआ। लेकिन गोपाल भैया के स्टार बनेलन मदन राय जी, लेकिन गोपाल भैया कभी तक कोनो चेला नहीं खेली, बात सही बा जी? मतलब गोपाल भैया के लागे के चाहे कि भाई उनको भी चेला कोनो सुपर स्टार बनो, बलिया के स्टार बनो अमरजीत भैया। अच्छा एगो चीज़ बताए कि आप प्रॉपर टीचिंग कर रही या फिर एल्बम वल्बम भी कर रही? अगर एल्बम करें तो आप कौन एल्बम कर रही, कुछ हमारे दर्शक लोग के आप बताई? मेन तो फोकस हमारे टीचिंगे पर रहे ला, 3-4 साल से अभी उन्हीं ध्यान दे रही हम, लेकिन एल्बम भी हमारा आई बा, अभी छठ पूजा के एगो एल्बम आई रहा RD सीरीज से, और प्लस हमारे खुद के एगो चैनल बा जिकर नाम है अमरजीत सिंह तोमर ऑफिशियल, ओ पे हल्का फुल्का गाना गावत रहनी, भोजपुरी गाना भी बा, हिंदी गाना भी बा, बहुत प्यार भी मिलेला, और वह सब जाके एक बार देखब, बहुत अच्छा अच्छा गाना बावे, हिंदी गाना भोजपुरी गाना सब बावे, और बस रुआ सबके प्यार आशीर्वाद मिलत रहो। अच्छा भैया आप हिंदी गावे तो हम चाहम कि दर्शक खातिर कम से कम वो हिंदी के 2 शब्द सुनाई। जी अभी एगो गाना आई रहा इंडियन आइडल में हमने के सवाई भाट भाई रहा हन, हर एगो गाना रहा वह सुनाओ तनी। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मेरी तकदीर का आईना तुझसे है मेरे हम सफर, रब से है ये गुजारिश मेरी तुझको लग जाए मेरी उम्र। आ देरे ना जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। क्या बात है भैया, बहुत खूबसूरती से आप पेश करनी है। अच्छा एगो चीज़ बताइए, आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एगो चलन चल दिल बा कि जितना भी लोग सिंगर होता कुछ ना कुछ दिन बाद
अभिनेता बन जाता, का आपके भी विचार बका कि मतलब गायकी के माध्यम से अभी फिल्म का अभिनेता बनल चाहते हो कम? ना अभी तो कैसन कोई सोच नहीं खे, और बस माता रानी कहस कि इमें कुछ आगे बढ़ल जाओ, कुछ नाम हो को, माता रानी आप सबके प्यार आशीर्वाद मिलल मिलो, और बाकी अभिनेता वाला तभी कोनो गुणो नहीं है। नहीं नहीं, भोजपुरी में तो बाकी भाई चलो जो एक्टिंग भी नहीं खेवा तो के भी लोग अभिनेता बना देता, जैसे बहुत से एक्टर बना चुके हम नाम ना लें। वैसा चांस मिली तो हमनियो को बन जाए जी, बनला में क्या बा। ठीक है भैया। तो भैया आप हमारे इंटरव्यू शो में दो गाना बखूबी गईनी हो, आपके अंदर टैलेंट भी बढ़िया बा हमारे हिसाब से, और हमारे दर्शक भी आपके गाना पसंद आई हुई। लेकिन अच्छा ये बताइए, आप इतना बढ़िया टैलेंटेड रख के आप आज कहाँ बानी, मैंने आप ईजे बानी, कहाँ कमी बा? आपके गार्जियन में कमी बा, या आप में कमी बा, या ये समाज में कमी बा? आखिर कहाँ कमी बा कि आप अपन जनता के बीच नहीं आ पावत, कुछ कमी रहल हो भैया? कमी तो भगवान जानस का हो कि भैया, और प्लस 3-4 साल में टीचिंग लाइन में ध्यान देनी, और एल्बम के चाहे अपन गाना लोगों के बीच में ना पहुँचा पवनी, और कुछ कमी हमरों में बावे, हम बहुत पीछे रह गए नी, और फैमिली फुल सपोर्ट कैलस, पापा मम्मी फुल सपोर्ट कैलस लो, जौन जौन कहानी तौन तौन कैलस लो, अब अंदर से भी अब मन करता कि अब कुछ कही जाओ, कुछ समाज में कही जाओ, अपन आवाज़ के समाज में भी उठावल जाओ, दिखावल जाओ। पहले तो ना लगत रहे कि अच्छा गावत नहीं, लेकिन अब बहुत प्यार मिलेला, यूट्यूब चैनल जब से बनल बा बहुत प्यार मिलेला लोगन के, और देखल जाओ आगे क्या होखेला, भगवान जानस। चलिए भैया, आपके लगे तो टैलेंटेड के कमी नहीं है, लेकिन एगो चीज़ बताओ तुम भैया, आज टैलेंटेड होते हुए भी अपन लोगों का दिखावे पड़ के हम अलग है टैलेंटेड बाजी, सरकारे के देख ली, सरकार कुछ काम करावे चाहे ना करावे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा ला कि हम चीज़ करे ले बानी। लेकिन आपसे हम कहम कि भाई अपन आप अपन टैलेंटेड लोगों के दिखाई तो कि लोग आपके जानस और आपके बारे में विचार करस, एकर मतलब इस पर आपके का विचार बा, कुछ बताई? जी भैया, अब हम भी एक्टिव हो चुकल बानी, 6-7 महीना से चैनल भी बनल बा, अब काम करे के बा, बहुत मेहनत करे के बा, लोगन तक अपन टैलेंट के पहुँचावे के बा, और बहुत मेहनत करे के बा, अभी तो शुरुआत अब भइल बा शायद, और बहुत मेहनत करे के बा, और जी चलिए हमने के भाई भरपूर कोशिश कर ली कि आपके हमने के सपोर्ट कर लिया चैनल के माध्यम से, आपके भी भाई कदम से कदम बढ़ा के चले पड़े तभी तब हो पाई, न तो आज देखा था कि लोग पहले कार से जो चलते फ्लाइट से पकड़ लागल, हमने कभी पैदल चलते नहीं आप, अगर फ्लाइट पकड़े बात भाई कार से भी तेज आपके चले के पड़ी। सही बात भाई, आप मेहनत कर जी, बहुत मेहनत कर जी, बस रोआ सबके प्यार आशीर्वाद रहो, जनता के प्यार आशीर्वाद रहो, और बहुत सुंदर आप लोगों के चैनल न्यूज़ तक भोजपुरी बहुत आगे बढ़ो, और बहुत बहुत अच्छा लागल भैया, रुआ सब आईनी लागत था कि हाँ अब हमनियो कुछ कर तनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भैया। चलिए भैया, हम जाए से पहले वो चाहम कि भाई जो आपके देवी गीत आए कम से कम ओके सुना दियो, बस हमने के विदा ले लिया आपसे, ताकि दर्शक भी गदगद हो जाएगा फिर से आपके खूबसूरत आवाज़ एक बार और सुन ले दर्शक हमारे। लागल बा हमरो असरा, असराया के पुरै तू, हे विंध्यवासिनी मैया तनि हमरो घर आई तू, हे विंध्यवासिनी मैया तनि हमरो घर आई तू, कृपा अलबेला पे आके तुम्हारी कदा, सेवका अमर जीत के मथवा पे हाथ धा दा, लागल बा हमरो असरा, असराया के पुरै तू, ए विंध्यवासिनी मैया तनि हमरो घर आई तू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए भैया, हम दर्शक लोग से विदा लेगत तनी, आप लोग देखत रहे न्यूज़ तक भोजपुरी के इंटरव्यू शो, फिर बहुत जल्दी लेकर हम आई, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।